राकेश झुनझुनवाला, जिनको भारत का वॉरेन बफे भी कहा जाता था, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। राकेश जो पिछले कई सालों से भारतीय इन्वेस्टर्स के लिए प्रेरणा का एक स्रोत बने हुए थे, उन्होंने मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के चलते 14 अगस्त 2022 की सुबह को अपनी अंतिम सांसें ली। आज के इस वीडियो में हम राकेश झुनझुनवाला को ट्रिब्यूट देते हुए उनकी जिंदगी की पूरी कहानी जानेंगे कि किस तरह वो भारत के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक बन पाए। जहां आज के समय में पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल माना जाता है, उसी इकोनॉमी में राकेश झुनझुनवाला ने हजारों करोड़ों रुपए कमाए। शुरुआती दिनों में इनके पास एक भी रुपए नहीं थे। इनके पिता ने इन्हें पैसे देने से भी इनकार कर दिया था, लेकिन अपनी जमा पूंजी लगाकर उन्होंने 5,000 रुपए से शुरुआत करी। राकेश झुनझुनवाला भारतीय स्टॉक मार्केट के किंग कहे जाते थे। वो एक रिनोन्ड इन्वेस्टर और बिजनेसमैन थे। उन्हें भारतीय स्टॉक मार्केट में जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, सभी अपना आइडल मानते थे। उन्होंने 1985 में केवल 5,000 रुपए की जमा पूंजी से शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करा था और फिर उन्होंने उसी 5,000 रुपए को 16,000 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया था। राकेश ने अपना कॉन्फिडेंस कभी भी कम नहीं होने दिया। उनके कॉन्फिडेंस के कारण ही सभी शेयर बाजार में उनकी एडवाइस मानते थे। राकेश झुनझुनवाला का जन्म 5 जुलाई 1960 को मुंबई में हुआ। आम मिडिल क्लास लोगों की तरह ही उनकी भी अपब्रिंगिंग हुई। जब राकेश 15-16 साल के थे, तब उनके पिता का थोड़ा बहुत इंटरेस्ट शेयर बाजार में हुआ करता था। उन्हें देखकर ही राकेश के मन में भी इन्वेस्टिंग का इंटरेस्ट जगने लगा। तो एक दिन राकेश ने अपने पिता से पूछ ही लिया कि शेयर मार्केट में ये शेयर्स ऊपर नीचे कैसे होते हैं। उस समय उनके पिता ने उन्हें सलाह दी कि अखबार पढ़ा करो, जिस कंपनी के बारे में न्यूज आई है उस कंपनी के शेयर के भाव ऊपर या नीचे हुए होंगे। उस दिन राकेश को शेयर मार्केट के बारे में पहली सीख मिली। उन्होंने स्टॉक्स और पब्लिक परसेप्शन के रिलेशन को जाना। उसी उम्र में राकेश का इंटरेस्ट भी स्टॉक मार्केट में और बढ़ने लगा। वो अब अलग अलग कंपनीज के बारे में पढ़ने लगे और जानकारी भी जुटाने लगे। उन्हें हर रोज कुछ नया जानने की क्यूरियोसिटी रहती थी। राकेश ने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री मुंबई के सईद नाम कॉलेज से हासिल की। राकेश ने अपने पिता से स्टॉक मार्केट में जाने के लिए पूछा तो उनके पिता ने जवाब दिया कि तुम्हें जो करना है कर लेना, बस पहले अपनी प्रोफेशनल डिग्री की पढ़ाई पूरी करो। इसी के बाद राकेश ने अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई पूरी करी। जब राकेश ने अपनी सीए की पढ़ाई पूरी कर ली तो उन्होंने अपने पिता से फिर कहा कि अब मुझे शेयर मार्केट में जाना है। उनके पिता ने उन्हें सलाह दी कि अगर तुम्हें स्टॉक मार्केट में जाना है तो जाओ, लेकिन कुछ चीजें हमेशा दिमाग में रखना कि जो तुम करो उसे एंजॉय करते हुए आगे बढ़ो, और मैं तुम्हें कभी भी एक भी पैसा नहीं दूंगा, और ना तुम अपने दोस्तों से कभी पैसे लोगे, और हमेशा ही फियरलेस रहोगे। इस तरह राकेश 1985 में शेयर मार्केट में आ गए, जब बीएसई सेंसेक्स 150 पॉइंट्स पर था। वो शेयर मार्केट में आ तो गए, पर उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं थे, तो उन्होंने जितना हो सका उतना अपनी बचत से जमा करके लगभग 5,000 रुपए से अपनी पहली इन्वेस्टमेंट करी। पर ये पैसे काफी नहीं थे। राकेश के भाई उन दिनों सीए की प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उनकी एक क्लाइंट जिसके पास अच्छी खासी कैपिटल थी और जिन्हें अच्छे रिटर्न्स चाहिए थे, उनसे राकेश ने बात करी। उन दिनों बैंक डिपॉजिट्स पर 10% तक रिटर्न मिलते थे, तो राकेश ने उस क्लाइंट से कहा कि मैं तुम्हें 18% पर एनम का रिटर्न दूंगा। इस तरह राकेश को उस क्लाइंट से 2.5 लाख रुपए मिले। उस क्लाइंट के अलावा उन्होंने एक और व्यक्ति से 5 लाख रुपए लिए हुए थे। ऐसा करके उन्होंने अपना कैपिटल जुटाया। शुरुआती दिनों में तो उन्हें ज्यादा कुछ फायदा भी नहीं हुआ, पर वो खुद पर विश्वास लिए जुटे रहे। राकेश ने अपनी काबिलियत और मेहनत के दम पर 1986 में अपना पहला बड़ा प्रॉफिट कमाया। उन्होंने टाटा टी कंपनी के 5,000 शेयर्स, जो 43 रुपए के शेयर के हिसाब से खरीदे थे, उन्होंने 3 महीने बाद ही 143 रुपए पर शेयर के हिसाब से बेच दिए। जिस तरह से राकेश ने 5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, उसके अगले 3 सालों में राकेश ने करीब 20 से 25 लाख रुपए प्रॉफिट में कमाए। राकेश ने फिर 2002 में टाइटन कंपनी के 6 करोड़ शेयर्स को 3 रुपए पर शेयर के प्राइस पर खरीदा, और बाद में उन शेयर्स की कीमत 390 रुपए पर शेयर हो गई, जिसके कारण उनके इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स 2100 करोड़ रुपए के पार चले गए। राकेश झुनझुनवाला को हमेशा ही फायदा नहीं हुआ, उन्हें बहुत बार नुकसान भी हुआ, लेकिन उन्होंने हर बार अपनी गलती से कुछ सीखा और आगे बढ़ते गए। कुछ ही समय की बात थी कि उन्होंने स्टॉक मार्केट में अपने नाम का झंडा लहरा दिया था। राकेश ने हमेशा ही अपने डिसीजंस में पेशेंस रखा। राकेश झुनझुनवाला का सक्सेस मंत्रा है कि इंसान गलतियों से ही सीख सकता है। जब तक हम अपनी गलतियों को मानकर उनसे सीखेंगे नहीं, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। उनका मानना था कि इन्वेस्टर्स को हमेशा गिरगिट की तरह होना चाहिए, और इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करते हुए खुद पर भरोसा होना भी बहुत जरूरी है। उनके अनुसार बुल मार्केट के दौरान सबका फायदा और बेयर मार्केट में सबका नुकसान ही होता है, इसलिए मैटर नहीं करता कि वो अमीरों की लिस्ट में है या नहीं। उनका सीधा और आसान तरीका है बाय राइट एंड होल्ड टाइट, मतलब सही शेयर खरीदो और उसे पकड़ के रखो। और आखिर में मैं आपको बताना चाहूंगा कि राकेश झुनझुनवाला ने अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर वो मुकाम हासिल कर लिया था कि उन्हें आज किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं।
वो सही मायनों में इंडियन शेयर मार्केट के किंग कहलाए जाते थे। राकेश झुनझुनवाले को कुछ सालों से कई बीमारियों ने जकड़ रखा था, जिनमें मुख्य थी उनकी किडनी एलमेंट। 14 अगस्त 2022 की सुबह को राकेश ने अपनी हेल्थ में कुछ अनइजीनेस बताई। इसके तुरंत बाद ही उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्हें मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स के चलते मृत घोषित कर दिया गया। कुछ इस तरह भारत के सबसे प्राइम इन्वेस्टर्स में से एक रह चुके राकेश झुनझुनवाला ने इस दुनिया को अलविदा कहा। दोस्तों, यही थी कहानी मिस्टर राकेश झुनझुनवाला की। अगर आपको उनकी कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।